हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के आपके लिए मैं स्टार वाला तोरण डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैंने रंग बिरंगे स्टार बना लिए हैं। इस तरह से आपको बना लेना है। दो साइड मुझे बनाना है इस तरह से। टोटल मैंने 9 स्टार बनाया है, आप भी इसे बना लीजिएगा। और ये बेल्ट मैंने ऑलरेडी बना के दिखाया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप बेल्ट कैसे बनाना है देख सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर बना लेना है पिंक कलर में। कंप्लीट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस तरह से स्टार में आपको बनाना दिखाऊंगी। इसी तरह आपको दो स्टार बनाना है एक स्टार के लिए। सबसे पहले हमें मैजिक सर्कल लेना होगा। इस तरह से आपको मैजिक सर्कल लेके 3 चेन लगा लेना है, 1, 2, 3। इसी में हमें डबल क्रोशेट लगाते हुए जाना है। 3 चेन और 14 डबल क्रोशेट बना लेना है हमें। टोटल हमें 15 डबल क्रोशेट चाहिए होगा। इसी तरह आपको बना लेना है। टोटल 15 डबल क्रोशेट बना लीजिएगा। 3 चेन, 14 डबल क्रोशेट, 15। देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से बना के। आप भी बना लीजिएगा। धागे को हम यहाँ पर टाइट कर देंगे और जो मैंने 3 चेन बनाया था वहीं पे मुझे एक स्लिप स्टिच लगा के सर्कल को क्लोज कर लेना है। एक स्लिप स्टिच लगा के अब यहाँ पर मुझे सेंटर में लेकर आना है। स्लिप स्टिच लगा के मुझे धागे को सेंटर में लेकर आना है। यहीं पर हमें अभी स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर मैं चेन लेते हुए जाऊँगी। टोटल हमें 9 चेन लेना है। यहाँ पर 9 चेन लेना है। 9 चेन लेकर अब यहाँ पर मुझे स्किप करना है। 1, 2, 3। फोर्थ चेन में हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। फोर्थ चेन में स्लिप स्टिच लगाना है। नेक्स्ट चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशेट लगा लेना है। हाफ डबल क्रोशेट लगा लीजिए। फिर नेक्स्ट राउंड में हमें एक डबल क्रोशेट लगाना है। फिर नेक्स्ट चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशेट लगा लेना है। टोटल हमें 2 डबल क्रोशेट लगाना है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशेट लगाना है। 3 बार हमें ट्रिपल क्रोशेट लेना है। पहले हम 2 से काटेंगे, फिर 2 से, फिर बचे हुए 2 से। इसी तरह हमें और एक ट्रिपल क्रोशेट लगाना है। एक राउंड में हमें 2 ट्रिपल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 हाफ डबल क्रोशेट और 1 स्लिप स्टिच। इसी तरह हमारा स्टार कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर मुझे स्किप करना है। 1, 2, 3। टोटल मुझे 3 डबल क्रोशेट स्किप करना है। फोर्थ में हमें एक स्लिप स्टिच लगा के क्लोज कर लेंगे यहाँ पर। इस तरह से बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको बना लेना है। 3 डबल क्रोशेट मुझे स्किप करके फोर्थ में हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। अभी नेक्स्ट मुझे फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पर 9 चेन लेना है। 9 चेन लेकर हमें 3 चेन स्किप करके फोर्थ चेन में हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। फोर्थ चेन में हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। फिर सेम प्रोसीजर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशेट लगा लेना है। फिर नेक्स्ट में मुझे एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट लगाना है। फिर ट्रिपल क्रोशेट, फिर लास्ट में के आखिरी के हमें ट्रिपल क्रोशेट। इस तरह हमें राउंड को कंप्लीट कर लेना है। आप भी इस तरह से बना लीजिएगा। सेम प्रोसीजर हमारा फॉलो होगा। वहाँ पर भी 1, 2, 3 डबल क्रोशेट छोड़ के फोर्थ में हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। इसी तरह आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। टोटल हमारे 5 ऐसे आएंगे। देखिए, इस तरह से 5 आपको स्टार शेप में बना लेना है।
देखिए मैंने बना लिया है, आप भी इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी मुझे दोनों को इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के बुन लेना है, यहाँ पर स्टिच कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पर दोनों को कैसे जोड़ना है वो दिखाऊंगी। यहाँ पर हमें कुछ ने हर एक जो मैंने स्टिचेस लिए हैं यहाँ पर ट्रिपल क्रोशे डबल उसके ऊपर हमें दोनों के जॉइन करके स्लिप स्टिच ही लगाते हुए जाना है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए यूज़र हो तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इस तरह से मुझे स्लिप स्टिच लगाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से मुझे दोनों पकड़ के स्लिप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से आप बनाते हुए जाइएगा। स्लिप स्टिच लगाते हुए हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना होगा। यहाँ से सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है सब, इसी तरह हमें स्लिप स्टिच लगाते हुए जाना है। अगर नए सब्सक्राइबर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरे जो नए वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और भी मैंने अच्छे अच्छे तोरण डाले हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा। अच्छे अच्छे मैंने वीडियोस तोरण के बना के डाले हैं। इस तरह से आपको बनाते हुए एंड तक जाना है। सेम प्रोसीजर है, सबको इसी तरह हमें डालते हुए जाना है। देखिए इस तरह से आपको पूरा बना लेना है, यहाँ तक बना लीजिएगा। ये देखिए मैंने लास्ट का एक छोड़ा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिलिंग डालना है। जो नायलॉन का फिलिंग मिलता है मार्केट में, वो आपको इसमें डालना है ताकि अच्छे से वो रुक सके, नहीं तो ऐसा बैंड हो जाएगा। इसलिए मैंने फिलिंग डाला है। इस तरह से आपको भी डालना है। इस तरह से आपको अंदर डाल के इसे भी स्टिच करना है। उसी तरह से स्लिप स्टिच लगा के इसे भी हमें क्लोज कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको फिलिंग को भर लेना है। इस तरह से आपका स्टार इस तरह से रुकेगा। यहाँ तक मुझे पूरा कंप्लीट कर लेना है। सेम स्लिप स्टिच लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पांच बीट्स लगा के इसी को स्टार को हैंग करना है। अब चाहे तो अलग अलग कलर या एक या दो कलर के भी बना सकते हैं स्टार। ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है पांच बीट्स और एक स्टार हैंग करना है। टोटल मैंने यहाँ पर 9 स्टार बनाए हुए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा या कम भी बना सकते हैं। रंग बिरंगे स्टार बहुत ही सुंदर दिखता है, आप इस तरह से बना लीजिएगा। आप चाहे तो एक या दो कलर भी लेकर स्टार बना सकते हैं, और ऊपर उसके ऊपर ही आपको एक फ्लावर बनाना है। फ्लावर मैंने ऑलरेडी दिखाया है दूसरे तोरण में, बेल वाले तोरण में मैंने बनाया है। सेम उसी तरह आप बना सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं। मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही सुंदर दिखता है ये डिज़ाइन, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।
मैंने और भी अच्छे अच्छे वीडियो डाले हैं, जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई